मैं बागी हूँ। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के अवामी वफाक की अलामत है। ये पाकिस्तान का अवामी वफाक है कि जिसने पाकिस्तान के पूरे वकला और पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। मोहतरम साथियों, इस वक्त के जब आपका पूरा निजाम कैप्चर्ड है, आपका मुल्क के अंदर आईन और जो कानून लापता है, जहां पे अदालतें गैर फाल हैं, जहां पर हर तरफ गुमनाम पहरे हैं, इसमें मैं आप सबको खराजी तहसीन पेश करती हूं कि वकला की आवाजें हम ये सिलसिला कब से देख रहे हैं। मुझे याद है कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम और माया नासिया सद्दाम, उनको इन जर्नैलों ने गद्दार कहा। इन्होंने हमारे आज ये इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, जिसने स्टेटस को चैलेंज किया, आज उसको गद्दार कह रहे हैं। इन्होंने वली खान, बाचा खान, भुट्टो, जो भी अवामी उमंगों का तर्जुमान था, उसको ये गद्दार कहते रहे। मैं इनसे ये पूछती हूं कि मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के फिजाओं को देख लें। मैं भावलपुर गई, वहां पे रेगिस्तानों को देखा, आप यहां की जमीनों को देख लें, आप फिजाओं को देख लें, आप बलोचिस्तान के पहाड़ों को देख लें, आप किसी भी अदारे पे देख लें, हर जगह तो आपका कब्जा है। तो फिर हर जगह पे आपका कब्जा है। पाकिस्तान की सियासी अशरफिया और पाकिस्तान की अस्करी अशरफिया के इस गठजोड़ को हम मुस्तरद करते हैं। जिंदा है। इन्होंने इस निजाम को एक अस्करी निजाम और एक अस्करी रियासत में तब्दील कर दिया। जो पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आईन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? आप पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप दें कि इधर से फंड्स आ रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आपने हर अदारे के अंदर से आपने सियासतदानों में से, और आपने इस बार के गद्दारों को जिन्होंने बुकला तहरीक में आपको बेचा, जो आज बुकला को तकसीम कर रहे हैं, आपने उनको इकट्ठा किया। फिर पीडीएम के जमातों के अंदर वो कानून साजी की आपने कि आज जमहूरियत भी शर्मिंदा है। आपने पाकिस्तान के अंदर इन सब को इकट्ठा करके सियासी अमल को रोक के आपने एक मुतवाजी निजामे बेआईन कायम किया गया है आपके मुल्क में। और मैं अपनी वकला बरादरी को, मैं अपने गयूर वकला साथियों और बहनों को भी, जिनका बहुत किरदार है पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने में, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपनी सफों के अंदर आप काली भेड़ों को तलाश करो और कभी आपने उनके ऊपर एतमाद नहीं करना। इस वक्त आप याद रखिएगा, आप
आप याद रखिए, आप लोगों ने ये याद रखना है, प्लीज मेरी दरखास्त है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक अदारा बचा है कि जो मुजामत कर सकता है, सिर्फ एक अदारा है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको चैलेंज कर सकता है, वो आप लोग हैं। और आप लोग कभी उन बद किरदार, उन काली भेड़ों का ना भूलिएगा कि जिन्होंने आपके मुफादात का हमेशा सौदा किया, जो हुक्मरानों के साथ मिलते हैं, जो फौजियों के जिन नौकरी करते हैं, आप लोगों ने उनको पहचान के। और आप ये देखिए, हमें फखर है कि हमारे कायद आबिद जुबैरी साहब, जो फखर है पाकिस्तान के अवाम का कि जिनको ना सिर्फ बुगला कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान उन पे एतमाद करता है। इस रियासत ने जो जबर किया 9 मई के मशकूक वाकये को बुनियाद बना के, मुझे यह बताइए कि हमारा एक कल्चर है खवातीन की रिस्पेक्ट का, इन्होंने उसको बवाल किया। जिस तरह 9 मई के वाकये ने आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम एक्सपोज कर दिया, ये जो बुजदिल जजेस बैठे हैं इनके अंदर इतना हिम्मत नहीं कि ये उन फैसलों को कर दें, कि उन बेल्स को डिसाइड कर दें। तो अब मैं आपसे आखिर में सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि अगर रियासत ने अवाम से बगावत की है तो इस जबर के खिलाफ बगावत हम पर भी लाजम है। मैं अब गुजारिश करूंगी अपने इस हाउस से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, कि अब आप लोग बाहर निकलने के लिए लहे अमल दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जुमेरात, हर जुमेरात का दिन जिसमें हमने अच्छा सियासी नहीं, हम लोग तो सारे ही जमहूरियत की बात करते हैं, हमारी जंग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, चाहे कोई भी सियासी जमात इख्तदार में हो, अखबार का रोल हमेशा अपोजिशन का रोल रहा है। और मैं यही तवक्को करती हूँ कि पूरी पाकिस्तान के अवाम आपके मुंतजिर है, अगली जुमेरात को आप लोग कॉल दें मुल्क गिर एहतजाज की, हर बार अपनी जगह पे एहतजाज करें, हर बार एहतजाज करें, हर जगह पे हाउस हो और फिर अगला लाए अमल का ऐलान करें। और आखिर में आपकी नजर, मैं बागी हूं, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है, मैं मरने से कब डरती हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं, मेरा खून का सूरज